टू श्वेताज इजी कुकिंग चैनल। गर्मियों में बंगाली स्पंज रसगुल्ले खाने का मजा ही कुछ और है। आइए देखें इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, ये 2 नींबूओं का रस है, ये पानी लिया छेना को धोने के लिए, ये 1.25 कटोरी चीनी है, ये 4 कटोरी ये 4 कटोरी पानी है, उसी कटोरी से मैंने नापा जिससे मैंने चीनी नापी थी। आइए देखते हैं। देखिए ये दूध उबल गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे नींबू का रस डालेंगे। जैसे ये फट जाएगा हम नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। ये देखिए ये पूरा फट गया, हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल अलग हो गया है और इसके फैट बिल्कुल अलग हो गया है, छेना बिल्कुल अलग हो गया हमारा। ये हमारा कॉटन का कपड़ा है, हम छान लेंगे। ये ना मैंने छान लिया था, अब मैं इसमें कुछ नॉर्मल पानी डालूंगी, इससे हमारा जो छेना है उसका नींबू का रस की जो खटाई है वो भी चली जाएगी और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, तो हमारे हमें मैनेज करने में आसानी पड़ेगी। छेना ऐसा निकल आया है हमारा, इसको अब हम यहाँ पे रख लेंगे और इसको अब हम खूब मलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, जब तक ये चिकना ना हो जाए, इसको ठंडा नहीं होने देना है हमें। ऑलरेडी हमने इसमें पानी नॉर्मल वाटर डाल के काफ़ी ठंडा कर लिया था। चाहे पॉज कर दो। देखिए ये छेना बिल्कुल चिकना हो चुका है, अब हम इसकी चाशनी प्रिपेयर कर देते हैं। जब तक चाशनी उबलेगी उतनी देर में हमारे छेना के बॉल्स भी रेडी हो जाएंगे। ये मैंने कुकर लिया है, ये 4 कटोरी पानी है, ये 1.25 कटोरी चीनी है, मगर इसमें मैं थोड़ी सी चीनी रोक लूंगी, वो हम बाद में डालेंगे। देखिए चाशनी उबलने लग गई है, अब हम अपने स्पंज रसगुल्ले डाल देंगे। और अब कुकर का ढक्कन कर दिया हमने, ये कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है और सीटी आने के बाद हम इसको धीमे पे कर देंगे, घड़ी देख के 5 मिनट बाद, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। बढ़िया स्पंज रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे। कुकर को हम उसी समय नहीं खोलेंगे, कम से कम 20-25 मिनट ठंडा होने देंगे, उसके बाद खोल। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, कुकर ठंडा हो चुका है। ये देखिए स्पंज फूल के अपने डबल साइज के हो गए हैं। ये जो बची हुई चीनी थी ये अब हम चाशनी में डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ये इनको डिप ही रखना है, इतनी चाशनी रखनी है। देखिए रसीले स्वादिष्ट रसगुल्ले बनके तैयार हैं। अब इनको कम से कम 3 से 4 घंटे हम ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे।